गुलबर्गा शहर में कुछ देर की बारिश से शहर के इलाके तालाब की शक्ल में तब्दील हो गए हैं। मिजगोरी, मोमिनपुरा, संतरासवाड़ी, एमएसके मेल, जीडीए लेआउट और दीगर इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कुछ देर की बारिश से शहर के इन इलाकों का क्या हाल हुआ है। शहर के लोग वीडियो रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियो को शेयर कर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल कर रहे हैं, आखिर कब तक गुलबर्गा शहर में इसी तरह के हालात देखने को मिलेंगे। हर बार इलेक्शन के वक्त झूठे वादों के जरिए आवाम से वोट हासिल कर एमएलए और कॉरपोरेटर्स गरीब आवाम की तकलीफ़ों से मुंह फेरते नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से गली मोहल्लों में लोगों के घर, दुकानें, स्कूल, हॉस्पिटल्स में पानी घुस जाने की वजह से आवाम का लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है और इसकी भरपाई भी कोई नहीं करता। ये जीडीए लेआउट के गुलशन अरफात स्कूल की तस्वीरें हैं, जहाँ बारिश की वजह से स्कूल में पानी भर गया है और मासूम बच्चों को स्कूल से बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ये तस्वीरें मिजगोरी इलाके की हैं, जहां घर दुकानों में पानी भर गया है। लोग एमएलए और कॉरपोरेटर के खिलाफ नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और इसके अलावा एमएसके मिल और दीगर इलाकों में भी यही हालात देखे गए हैं। हर साल इसी तरह थोड़ी सी देर की बारिश से लोगों का लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है। शहर के लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तक वीडियो पहुँचा रहे हैं और कुछ लोग एमएलए और कॉरपोरेटर्स को कॉल कर अपनी तकलीफ़ सुनाना चाहते हैं, पर एमएलए और कॉरपोरेटर की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आशा बहन का नाम है, इनोक पायल के माजूर आदमी, इनकी बंडी इतना तक गई बारिश में, इसके बारे में कौन है इसका जिम्मेदार, क्या है क्या नहीं, ये देखो इसके हालात देखो, कहाँ है एमएलए, कहाँ है कनिष्क माध्यमा मैडम, कहाँ है यहाँ, अगर कश्ती अगर डालेंगे अजमल गोला के घर के साथ में से रुक के वापिस आएंगे। और मिजगोरी को, मिजगोरी में पूरी नदी है यहाँ, यहाँ के पूरे माजूर भैया, इस एरिए के जिम्मेदार शख्स कौन है वो हमको क्या है मालूम है, हमारी सेफ्टी के रास्ते उनको जिता को लगा सो एरिए से, किसकी सेफ्टी के रास्ते, हमारी सेफ्टी के रास्ते, हमारे एरिए से सबको हरा के अजमल गोला साहब को हम जिता के लेके, उसके जिम्मेदार कौन है, ये हालात देखो। और ये दरगाह मुस्किन शाबा, दरगाह में पानी गया है, ये मस्जिद में खुलवानी मस्जिद के अंदर पानी गया हुआ है और बच्चा ऑलरेडी यहाँ पे गरम लग के इसका खात्मा हो गया है। हाँ भैया, इसका खात्मा हो चुका है, उसके जिम्मेदार, उसके कौन बताने वाले कौन है।